सूचना और लोक संपर्क विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिलों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए दिवाली के उपहार भेजे गए हैं। पत्रकारों को भेजे गए उपहारों को लेकर जनपद पौड़ी में कुछ पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड के सभी जिलों में सूचना और लोक संपर्क विभाग के माध्यम से सीएम धामी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भेजे गए उपहारों को लेकर कुछ पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर की है। सक्रिय रूप से कार्य कर रहे पत्रकार प्रमोद खंडूरी ने कहा कि जिन लोगों की मान्यता है उनमें बहुत कम लोग पत्रकारिता में सक्रिय हैं और सरकार हम लोगों में भेदभाव पैदा कर रही है, जबकि पत्रकारिता में सबसे सक्रिय निजी चैनलों और पोर्टल के पत्रकार क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, लेकिन सरकार का इस प्रकार का भेदभाव ठीक नहीं है और भविष्य में हम लोग भाजपा के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करेंगे। पौड़ी मुख्यालय में काम कर रहे पत्रकार द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए दीपावली की शुभकामना कार्डों को भी जिला सूचना विभाग में वापस करवा दिया गया। पौड़ी से मुकेश बच्चेती की रिपोर्ट। ये सूचना विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला है और घोटाला ये है कि एक एक जो ऐसे पत्रकार हैं बने हैं कि जो कहीं काम नहीं करते, कहीं दिखते नहीं है और केवल उनकी फाइल कॉपियां जो छपती हैं अखबारों में उनकी मान्यताएं उनको दे रखी हैं और जो फील्ड में जो लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, चाहे पोर्टल वाले हों या छोटे न्यूज़ चैनल वाले काम करते हैं, उनको मान्यता नहीं मिल पाती है और फर्जीवाड़े की तरीके से मान्यता मिलती है। ऐसे ऐसे पौड़ी में भी ऐसे कई लोग हैं कि जो मरने की स्थिति में है, वो कोई अखबार भी चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते, उनकी मान्यता चल रही है। ये सूचना विभाग की घोर लापरवाही है और सरकार को सोचना चाहिए कि जो लगातार फील्ड में सरकार जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं, ऐसे पत्रकारों को सम्मान देना चाहिए।